नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने रचा नया इतिहास, 7 करोड़ से अधिक वोट हासिल कर बने अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार। 2008 में ओबामा को मिले वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा। कमला हैरिस ने चुनाव नतीजों को लेकर किया ट्वीट, लिखा ट्रंप कुछ भी कहें, आखिरी वोट तक हो गिनती। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्टता की कमी को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना, दुनिया में बड़े स्तर पर होगा नकारात्मक प्रभाव। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने कहा अमेरिकी चुनाव का परिणाम जो भी हो दोनों देश मिलकर करेंगे काम। जापान अमेरिका के गठबंधन को बताया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी। फ्रांस ने अमेरिकी चुनाव पर जताया भरोसा, फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा मुझे अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों में है विश्वास। अमेरिकी चुनाव से सावधान, चीन ने जताई उम्मीद, मतभेदों के बावजूद दोनों देश आने वाले वक्त में मिलकर करेंगे काम। न्यूयॉर्क में हुई चुनावी हिंसा में 50 लोग गिरफ्तार, चुनाव परिणाम में हो रही देरी के चलते लोगों ने कई जगहों पर की थी तोड़फोड़। अमेरिकी चुनाव परिणाम में हो रही देरी के चलते उधेड़बुन में दुनिया के शेयर बाजार कहीं हरे तो कहीं लाल निशान में कारोबार करते दिखे बाजार। ब्रिटेन में गुरुवार से लगा दूसरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, 2 दिसंबर तक ब्रिटेन के लॉकडाउन में रहने का अंदेशा, पूरे यूरोप में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौत वाले देशों में है ब्रिटेन। और अमेरिकी पुलिस ने जारी किया श्वेत वॉल्टर वॉलेस जूनियर के मारे जाने का वीडियो, वीडियो में पुलिस वॉलेस से चाकू रखने की बात कहती नजर आई, वॉलेस के नहीं मानने पर पुलिस ने चलाया था गोली। बता दें इस हत्या का पूरे अमेरिका में हुआ था विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अटकलों के ही मुताबिक अब तक साफ नहीं हो पाए हैं और ऐसा लगने लगा है कि अब फैसला अदालत से ही निकलेगा। हालांकि दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने आगे का रोड मैप तैयार कर लिया है। ट्रंप की कानूनी टीम जहां पहले से ही तैयार है, वहीं बाइडेन ने कानूनी लड़ाई के लिए फंड रेजिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अमेरिका चुनाव के नतीजे भले ही कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद साफ हो जाएं और जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी एक को विजेता घोषित कर दिया जाए, लेकिन इतना तो तय है कि ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है और इसकी तैयारियां दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति उम्मीदवारों ने पूरी तरह से कर रखी है। बाइडेन ने तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट तक लॉन्च कर दी जिसे बिल्ड बैक बेटर नाम से शुरू किया गया। बाइडेन की इस वेबसाइट पर लिखा है जब सभी वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है जिसके लिए फंड की जरूरत होगी। इस कानूनी लड़ाई का हवाला देते हुए लोगों से इसके लिए डोनेशन देने की अपील की गई है और अलग अलग रकम के डोनेशन के ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं। जनता से बढ़ चढ़ कर दान करने की अपील की गई ताकि परिणाम के बाद जरूरत के अनुसार कानूनी लड़ाई को भी जीता जा सके। इसके अलावा इस वेबसाइट में जो बाइडेन की आगे की रणनीति विस्तार पूर्वक बताई गई है। बाइडेन की इस वेबसाइट से साफ है कि वो चुनाव के बाद नतीजे चाहे जो भी हो उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. दोनों पार्टियों के नेताओं की इस बयानबाजी से इतना तो साफ हो चुका है कि जितना दिलचस्प इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव रहा उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प वोटों की गिनती और उसके बाद परिणाम के बाद की कहानी और भी दिलचस्प होने जा रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के कई हिस्सों में हर वोट की गिनती कराए जाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया और दूसरे कई शहरों में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और लोकतंत्र बचाने के लिए सभी मतों की गिनती को जरूरी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना जारी है। इस बीच अमेरिका के कई शहरों में हर वोट की गिनती को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं।
न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया और दूसरे कई शहरों में भारी तादाद में लोग लोकतंत्र बचाने के लिए सभी मतों की गिनती की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिकन प्रत्याशी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जारी नतीजों में बाइडेन ने बड़ी बढ़त बना ली है। वहीं ट्रंप ने मतगणना में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ट्रंप की बयानबाजी से देश के कई हिस्सों में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और हिंसक झड़पों और प्रदर्शनों की खबरें आने लगी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए नजर आए। अमेरिका में जैसे जैसे मतगणना मुकाम पर पहुंच रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी भी पूरे नतीजे नहीं आए हैं और अमेरिका में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आज तक ब्यूरो।